हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम करेंगे ऋषि प्रणाली का पाठ 33 और समझेंगे टै तै और कै की प्रयोग। जब हम किसी व्यंजन को आधा करते हैं तो उसमें टै तै और कै पढ़ा जाता है। आज उसी के बारे में समझेंगे। जैसे कि यदि हम किसी व्यंजन रेखा को उसकी साधारण लंबाई मतलब कि जो हम आम तौर पर बनाते हैं ना, जैसे कि क्या बना दिया हमने ये, तो उसको आधा करने पर हम उसमें टै तै और कै को भी पढ़ेंगे, उसी के साथ समझेंगे। जैसे कि ये कुछ उदाहरण है, पट पथ पक, तो इनकी हम जैसे कि हम ये बनाएंगे, हम पे ए ऐसे ये इसकी साधारण लंबाई है, इससे हमको आधा कर दिया। तो इसमें हम इसके साथ हम टे भी समझ सकते हैं, तय भी समझ सकते हैं और कै भी समझ सकते हैं पे के साथ, है ना। तो उसी प्रकार ये है अगला, टे को भी साधारण लंबाई से आधा कर देंगे। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ दोस्तों, ऐसे ही है मैं के साथ और ऐसे ही है ने के साथ। अब एक सवाल उठता है कि ये टै तै और कै, तो हम किस शब्द को इसके साथ पढ़ेंगे इनके साथ। तो वो दोस्तों वाक्य पर डिपेंड करेगा आपके कि उस समय वाक्य में किस शब्द की डिमांड है, समझ रहे हो ना। जैसे कि शब्द चिन्हों को पढ़ते हो ना आप, वैसे ही कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। बेसिक को आराम आराम से करो, अगर जल्दबाजी करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये तो हो गई दोस्तों। अब मैंने आपने ध्यान दिया हो, मैंने कहा व्यंजनों को आधा करना, ना कि हम मैंने ये कहा कि टै को आधा करना है, नय को आधा करना, मै को। व्यंजन कौन सी है, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, पै वर्ग, वकर हो या सरल हो या संयुक्त हो, पर हम है को आधा नहीं करेंगे। है तो ये भी व्यंजन, पर इसको हम जब आधा कर सकते हैं इसकी आउटलाइन को, जब इसके साथ में रे या ले का हुक हो और कैवरग, उस दिशा में हम इसको है को भी आधा कर सकते हैं, अन्यथा इसको हम आधा नहीं करेंगे। तो इसका क्या बन जाएगा, जैसे कि है आएगा पहले तो, और फिर इनमें तो हुक लगते ही नहीं है के साथ, तो इसीलिए फिर कै वर्ग के साथ, जैसे कै या रे भी हो सकता है या फिर लय भी हो सकता है, ऐसा कोई शब्द आए उस दिशा में हम है को आधा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है अड़े। यदि हम ये रे ले वे से है तो इनको हम आधा करते हैं। पहली बात तो ये, इसमें आधा करने पर कै टै पै जुड़ रहा था, इनको अब आधा करते हैं और फिर मोटा लिखते हैं, तो रे और दे
का प्रयोग होगा। पर दय और अडय में क्या डिफरेंट है? जैसे कि इसको तो हम आधा भी करेंगे और मोटा भी लिखेंगे, पर यड़ अडय के साथ हम इसको मोटा मोटा करेंगे। ठीक है दोस्तों, विचलने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार फिर से बताता हूँ। अगर अडय आता है इन शब्दों के साथ तो हम इनको सिर्फ मोटा में लिखेंगे। ठीक है, जैसे ये लिखे जाते हैं वैसे तो ये लाइट बनते हैं, है ना, पर इनको हम मोटा लिखेंगे। पर अड़े की जगह अगर द आ जाता है तो हम इनको मोटा भी लिखेंगे पर आधा भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एक दो शब्द है, बदमाश और बदला। आपको बदमाशी नहीं करनी है, आपको अपना होमवर्क अच्छे से करना है। बदमाश और बदला, ठीक है दोस्तों। अगर आप शांति से समझने की कोशिश करोगे ना तो आपको हर वीडियो समझ में आएगी और फ़ायदा होगा। अगर आप हड़बड़ाओगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, तो इसलिए आप शांति से काम लेना। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो, फ्री है और आपका हर डाउट क्लियर किया जाएगा। अब ये नेक्स्ट पॉइंट है, सेम ऐसा ही है, पर इसमें क्या फ़र्क है, इनमें मात्रा दी हुई है ना, स्वर मात्रा स्वर। तो इसका छोटी सी बात है, बस इसमें हमने इसमें भी आधा किया था, इसमें भी करना है। इसमें मात्रा आ रखी है, इनमें नहीं आ रखी थी, पर हमने ऐसे ही आधा करना है इनको जैसे हमने पहले किया है। जैसे कि ये प मैं महक, मतलब पेट, मैं पहला शब्द बोल रहा हूँ अभी, बाद में इनको पूरा उच्चारण करूँगा। जैसे कि थे है, यो मा सवर को छोड़कर फिर प ये ले है और घ। बना लिए शब्द हमने जैसे इसमें बनाए थे, अब इनके साथ है मात्राएं, है ना। तो हम जिसका जो आ रखा है स्थान वो वहाँ लगा देंगे हम उनका, है ना, जो पहले है वो पहले और जो बाद में है, जैसे कि पहले है ये बाद में है, ये बाद में, ये बाद में और ये पहले। तो जैसे कि पेट, मेट, महक, थोक, फीट, अपट, याद, लाद, होड, घोट, है ना। तो इसमें बस इतना ही फर्क था, इनकी जो मात्राएं पहले आए तो उनको पहले लगा दो और जो बाद में आए तो उनको बाद में रख दो, बस सिंपल सा है। और दोस्तों इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, कि हम यहाँ टय को क्यों पढ़ेंगे ना कि तय और कह को। जैसे कि
आज मैंने सुबह खाना ज़्यादा खा लिया तो मेरे क्या आएगा? ये हम चिन्ह बना देंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? पेट पढ़ेंगे क्या? पेट पढ़ेंगे या पेख? शुद्ध शुद्ध तो आता ही ना दोस्तों करना, तो इसीलिए पेट। और जो शब्द है उसी को वैसे पढ़ते चले जाओ, पै फिर मात्रा और फिर टै पेट। अब उसी प्रकार दूसरा नेक्स्ट है ये, जैसे संकट सीमिट प्लेट शील्ड और पेटर प्लेट। जो शब्द जैसा आए वैसे कि वैसा पढ़ते जाओ। यदि व्यंजन के पहले व्यर्थ है या फिर कोई आंकड़ा मतलब भूख, तो वो पहले ही आएगा। जैसे कि संकट है तो हम से और क को आधा कर दिया, संकट सीमिट तो मैं में से और ये मैं को आधा कर दिया, प्लेट तो हम पै में ल का हो, और ये जो इसकी इसके बाद मात्रा है तो यहाँ रख दो। वैसे ही अब इसमें ल का हो था, इसमें प्रेट, तो इसमें हम र का हो लगा देंगे, इसमें ल का हो था तो ल का लगा दिया, और शील्ड तो हम ल में से। बस सिंपल है दोस्तों बिल्कुल। एक बार आपके दिमाग में बैठ गया ना इसके पॉइंट तो बिल्कुल ईजी है। जब तक आप उसको आराम से नहीं समझते ना, जब तक ये आपको हवा लगेगा नहीं, तो उसके बाद ये बिल्कुल सिंपल है। और जहाँ जिसकी जो मात्रा आती है वे लगाते चलो। बस इसकी ये यहाँ और इसकी यहाँ ये और लगाई दी दोस्तों। और यदि व्यंजन के अंत में व्यर्थ आंकड़ा आए तो हम उसको बाद में ही पढ़ेंगे, और उसके पहले व्यंजन और फिर उसके बाद मात्रा, और तब हम आधा व्यर्थ पढ़ा जाता है, और उसके बाद हम इसके हुक् और व्यर्थ को लगाएंगे। जैसे कि पीनक तो हम पीनक को ये प और ये न, हम न को काट देंगे, मैं को काट के हम न बनाते थे ना पीनक, तो इसीलिए बातक तो हम बात तक को ऐसे। ये आधा है दोस्तों, लादना ये ले, इसको आधा कर दिया और इसमें ओक लगा दिया, और ये जहाँ इसका है चीज का वेदना। वेदना पीठता तो हम इसमें यहाँ तय का ओक लगा देंगे, पीटना तो हम नय का ओक लगा देंगे, लेटना तो हम इसमें ले का लेटना, और जो आयन के जो मात्रा आती है वो वहाँ लगा देंगे, और काटना काटना
हमको बिल्कुल नहीं बचलना है दोस्तों, जैसे कि प प टै के लिए छोटा कर दिया और ये और ये हमने तय का हुक लगा दिया है ना, ऐसे ही ये। और ये पॉइंट भी सेम है, इसमें ये है बस कि अगर ये बीच में आ जाए तो भी इनको हम आधा कर सकते हैं, पर ये मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि ये थोड़े अटपटे से नाम है, तो आप इनको देखकर भी बनाओगे और याद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि लाट री, लाट री है ना, चटोरा 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 च टोरा मोटू मल। तो हम मोटू मल को कैसे बनाएंगे, मैं को आधा किया, फिर मैं को पूरा बनाया और फिर ले मोटू मल। फुटकल, फुट कल आर्डिनेस यहाँ बनाते, ये यहाँ बनाते हैं और डी नेस, और फिर सोडा वाटर, ये सोडा वाटर सोडा वाटर। अगर आप इनको देखकर भी याद कर लोगे ना तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहुत कठिन वर्ड है तो इसलिए मैंने ये बनाए दोस्तों। जैसे कि पाटरी बदमाश, तो पाटरी दोस्तों पटरी, तो हमको ये है कि शुरू से हमको ऐसे शब्द बनाने हैं जो अच्छे लगे, बद्दे नहीं। तो जैसे कि हम इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि ये प ट र ऐसे, और ऐसे इसको ब द बदमाश, और इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये प को आधा किया और ये र, और या फिर इसको ऐसे। तो अब देखो दोस्तों, खुद ही डिसाइड करो कि कौन से अच्छे हैं, सुविधा स्पीड में बना सकते हो इनको क्या इनको, ये ना दोस्तों। तो इन शब्दों को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये नहीं कि गलत ये है, गलत ये भी नहीं है, पर ये हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे तो इसलिए इसके मुकाबले ये फीके है, गलत है। तो हम इन शब्दों के लिए इनका यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। और ये लास्ट पॉइंट है दोस्तों, जो हर चैप्टर में आया है, कि जैसे कि पाठ पता है ना, तो ये पात, और ये पता, क्या फर्क है इसमें। अगर जिन शब्दों को हम छोटा करते हैं उन शब्दों के बाद कोई मात्रा आ जाए तो हम उन शब्दों को छोटा नहीं कर सकते, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि पाठ पट्टी
तो हम पट्टी को पूरा बनाएंगे, पै और ये ट नट को हम आधा कर देंगे, नट्टी। लादा सुड इसको मोटा लिखा ना, इसलिए है नहीं ये दोस्तों, ड है। सादा ये थी दोस्तों आज की वीडियो, तय तय और कय का प्रयोग, व्यंजनों के आधा करने का नियम। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, कैसा भी, छोटे से लेके बड़े तक, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपका बेसिक अच्छा होगा, बेशक स्लो लेके चलो, जब तक अगर नेक्स्ट वीडियो नहीं बनती ना दोस्तों, हम टाइम इसीलिए लेते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने में, कि आप जो बेसिक है जिसका किसी बच्चे का, आपका नहीं तो दूसरे बच्चे का रह रखा है, कोई वीडियो रह रखी है, तो उसको देखकर अपना बेसिक पूरा करे। ठीक है ना, तो इसलिए हम टाइम ले लेके बनाते हैं वीडियो, नहीं तो हम चाहे तो हर रोज़ 10 वीडियो बना दें तो उसका फ़ायदा क्या। जब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा तो हमें क्या फ़ायदा होगा। हमारा तो यही फ़ायदा ना कि आपको फ़ायदा हो, ठीक है ना दोस्तों, और आपको फ़ायदा तो हमारा फ़ायदा, इसीलिए। तो फिर से कह रहा हूँ, आपका कोई भी कैसा भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कीजिए, आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती, जब तक इन वीडियो को, पिछली वीडियो को समझो, कम से कम दिन में एक दो बार देखने की कोशिश करो जो भी वीडियो है। अगर आपको कोई भी वीडियो नहीं आती ना समझ में, तो आप एक काम करो, उसको देखते रहो, क्योंकि हमको जो देखने से याद होता है ना, वो ना लिखने से ना पढ़ने से याद होता। इसका मतलब ये नहीं कि आप लिखना पढ़ना प्रैक्टिस करना छोड़ दो, क्योंकि हमें रील, जैसे कि हम फिल्म की कोई स्टोरी हम एक बार में देखने से ही याद कर लेते हैं ना, इसी प्रकार। फिर भी फिर से अगेन कह रहा हूँ, कोई डाउट हो तो ज़रूर ज़रूर कमेंट कीजिए, आपकी हर प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।